बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबों का अपने YouTube चैनल भगवान श्री वासुदेव पे। तो आज फिर से हम चर्चा को वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने चर्चा पर बात करनी बंद की थी। पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे गरीबी पर, भारत आज इतना गरीब क्यों है, आज तक गरीब है आखिर क्यों। हमने कुछ बिंदुओं पर विचार किया, जैसे आध्यात्मिकता का जो ढोंग लोग करते हैं, आध्यात्म के कारण बहुत प्रभावित हो जाते हैं और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं गलत समय पर, गलत परिस्थितियों में, और जब ये समय की मांग नहीं है और जब आपकी ये ज़रूरत नहीं है आप निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ा पाखंड है और यही गरीबी के पीछे सबसे बड़ा कारण है। भारत आज तक गरीब है यही आध्यात्मिक पाखंड के कारण। इस पर हमने बातचीत की। लोग अपने ऊपर कार्य नहीं करते हैं और नकारात्मक बातें ज़्यादा करते हैं, इस पर हमने बातचीत की। नेताओं के विषय में मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी वो उचित समय नहीं है, पहले हम साधारण बातचीत करेंगे। तो जहाँ तक मैंने बातचीत की पिछले सत्र के दौरान, पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक बातचीत की, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नकारात्मकता को अपने भीतर आने नहीं देना है, समय का सही सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना, समय को व्यर्थ नहीं करना, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं करना। भ्रष्टाचार समाज में जब तक रहेगा गरीबी रहेगी, भ्रष्टाचार पर कार्य करना है। नेताओं को ब्लेम करने से पहले, राजनेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले स्वयं को भी जरा देखें, स्वयं को भी जरा टटोलें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, स्वयं का आकलन करें, हम कहाँ हैं, हमसे कितनी गलतियाँ हुई। मैंने ये भी आप सबों को बात बताई कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, योग्यता का विकास हो, कौशल की रचना हो, कौशल का विकास हो, इस पर मैंने कुछ बातें आपसे कही। आगे इस वीडियो को बढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, आज कुछ नया जानते हैं और भी कौन से कारण हैं भारत में गरीबी के। मैंने पिछली वीडियो में ये बात भी बताई थी कि सरकारी नौकरी की चाहत ज़्यादा है लोगों के अंदर और युवाओं के बीच ये भी प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है, वे सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, प्राइवेट नौकरी ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, स्वरोजगार के अवसर खो देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तलाश ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा ही नहीं है। देश में बिजनेसेस की संख्या बहुत कम है, व्यापार बहुत कम है, इसलिए आज तक देश पीछे है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक देश विकसित देश हो सकता है यदि इन बातों पर गौर करे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर यदि काम करे, मानव संसाधन विकास पर यदि काम करे, हेल्थ केयर पर काम करे, यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर कार्य करे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जहां मैंने ये बात पढ़ी थी, वहां ये बात लिखी थी कि एजुकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा पे काम करना बहुत ज़रूरी है, मानव संसाधन विकास पर कार्य करना ज़रूरी है, स्वास्थ्य पर काम करना ज़रूरी है और शिक्षा पर काम करना ज़रूरी है। इन तीन चीज़ों पर कार्य करना अत्यंत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी और विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें ना करें, लेकिन इन तीन बिंदुओं पर यदि ध्यान केंद्रित करते हैं, इन तीन बातों पर विचार करते हैं और इन तीन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत हम पूरी कर देते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में, देश में, गरीबी बहुत हद तक हम मिटा सकते हैं। ये तो फिर भी सरकार का कार्य है, लेकिन हम भी इसमें बहुत योगदान दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ पैसे हैं और जो पैसे महीने में आप यूं ही खर्च कर देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर देते हैं, अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर देते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जहां खर्च कर देते हैं, शायद उसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है भी नहीं, शायद आप नेटफ्लिक्स दो चार मूवीज से ज्यादा नहीं देखते, मेरे ख्याल से इन पैसों को आप बचा कर रखिए और किसी गरीब की मदद कीजिए। जैसे किसी को हमने खाना खिला दिया या किसी बच्चे की स्कूल की फी हमने भर दी, कोई गरीब बच्चा है 200-300 रुपए स्कूल की फी होती है, हमने भर दी, 1500 ही होती है, हमने भर दी, एक व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी ली और भी बहुत सारे लोगों ने यह जिम्मेदारी ली, तो समाज में एक बहुत व्यापक बदलाव हो सकता है। एक व्यक्ति एक बच्चे
कि शिक्षा का खर्च वहन करता है? एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति ही नहीं करेगा, और भी बहुत सारे व्यक्ति करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। इस तरह से हम गरीबी को बहुत हद तक मिटा सकते हैं। और इस बात को ना भूलें, यदि हम ये करते हैं तो हम शिक्षा पर ही कार्य कर रहे हैं, हम शिक्षा को ही और व्यापक बना रहे हैं, हम शिक्षा को ही और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, शिक्षा में कोई विकास कर रहे हैं, कोई उन्नति कर रहे हैं। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। कोई बीमार है, उसकी दवाइयां हमने ला दी, कोई बीमार है, हमने उसको अस्पताल भेज दिया, अस्पताल ले जाने का हमने खर्चा उठा लिया, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा करना भी बहुत बहुत ज़्यादा है। ये भी करें, ये भी करके ज़रा देखें। आपके पास कोई कौशल है, कोई योग्यता है आपके भीतर, उस योग्यता को और समाज में प्रसारित प्रचारित करें, लोगों को सिखाएं। जैसे आप सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, और भी जो लोग हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें। आपके पास बहुत खाली समय होता है, इस खाली समय में लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। आप कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से चला लेते हैं, जानते हैं, कंप्यूटर्स का अच्छा ज्ञान आपके पास है, लोगों को कंप्यूटर सिखाने लगें। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ है, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन्हें हिंदी जाननी है, समझनी है, जिन्हें हिंदी का जरा अच्छा ज्ञान नहीं, या फिर ऐसे विदेशी सैलानी, या फिर विदेशी पर्यटक, या विदेशी लोग जिन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें हिंदी सिखाना शुरू कर दें। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप हिंदी सिखा सकते हैं, और पैसे भी कमा सकते हैं इसके बदले, और किसी की मदद भी हो जाएगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, देश में और ज़्यादा मनी सर्कुलेशन होगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा हम व्यापक बदलाव कर सकते हैं। जिसे जो कुछ भी आता है वो सिखाना शुरू कर दे। अब ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदी बहुत अच्छी आती है, बहुत संभावना है उसके पास नौकरी ना हो, हो सकता है उसके पास नौकरी ना हो, उसे बस हिंदी बहुत अच्छी आती, बाकी कुछ नहीं आता। अब ऐसा व्यक्ति तो गरीब ही रह जाएगा यदि यही सोचे कि मुझे तो बस हिंदी आती है, मुझे और कुछ आता नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, मैं IAS नहीं बन पाऊंगा, मैं बैंकिंग सेक्टर में कॉम्पीट नहीं कर सकता, मुझे कोई बैंकिंग की नौकरी नहीं लग सकती। अगर ऐसा व्यक्ति यही सोचने लगे तो बहुत संभावना है जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यही व्यक्ति यदि ऑनलाइन ट्यूटर बन जाए, ऑनलाइन एजुकेट करने लगे, ऑनलाइन एजुकेशन में जुट जाए, उसमें ज़रा पार्टिसिपेट करे, उसमें अपने एफर्ट्स को जरा कंट्रीब्यूट करे, योगदान दे अपना, बहुत कुछ कर सकता है, पैसे भी कमा सकता है। हम गरीब हैं, समस्या है, लेकिन हम गरीब बने रहना चाहते हैं, हम गरीब ही रह जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अमीर बनने की आकांक्षा ही बहुत कम है। हमने पिछली वीडियो में भी यही बातचीत की थी कि हम गरीब हैं, समस्या तो है ही, लेकिन हम अमीर बनना ही नहीं चाहते, हमारे पास सपने ही नहीं हैं, ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। गरीबी तो मिट ही जाएगी, लेकिन आप मिटाने के लिए तैयार क्या हैं? आप क्या मिटाने के लिए तैयार हैं? मैंने दिनचर्या पर भी बातचीत की थी कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, हमारी लाइफ में एक स्पेसिफिक और एडिक्वेट और प्रॉपर रूटीन नहीं है, दिनचर्या में ज़बरदस्त गड़बड़ी है। कमेंट्स यदि करते हैं YouTube पर तो कमेंट्स ही करते रह जाते हैं, Facebook पर करते हैं तो Facebook पर कमेंट्स ही करते रह जाते हैं, मैसेज करते हैं WhatsApp पे तो मैसेज ही करते रह जाते हैं। इससे ज़रा बचें, कमेंट वहीं करें जहां अति आवश्यक हो, जहां हाँ कुछ लिखना ज़रूरी हो, और उतना ही लिखें जितना ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा ना लिखें। मैं देखता हूँ मेरी वीडियोज़ के नीचे भी बहुत लंबे लंबे कॉमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे कॉमेंट्स होते हैं, मुझे पता है वे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इतना कुछ लिखने की ज़रूरत क्या है? कुछ शब्दों में भी आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, और मैं समझ जाऊँगा। आप 4-5 वाक्य ही लिखें, मैं समझ जाऊँगा, बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि ऐसे लोग जिनके भीतर योग्यता बहुत ज़्यादा है, कौशल बहुत ज़्यादा है, लेकिन करते क्या हैं, अपना पूरा कौशल, अपनी पूरी योग्यता कमेंट्स पर दिखा देते हैं। इससे होगा क्या? मैं पढ़ भी लूँ, लाइक भी कर लूँ, उस पर ज़रा एक कमेंट कर भी दूँ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उससे होगा क्या? आपको 2 मिनट के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ भगवान शशि वासुदेव की तरफ से कोई कमेंट आया है, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई व्यापक बदलाव नहीं आने वाला है। व्यापक बदलाव तो तभी आएगा जब आपको जो पता है उसको आप पूरी दुनिया के सामने व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें, उस टैलेंट को जरा एक्सप्रेस करें, उस टैलेंट को जरा आप सबके सामने निखार कर लाएं। You have to expose
एंड एग्जिबिट योर टैलेंट बिफोर एवरीबडी, सबों के सामने उस टैलेंट को, उस योग्यता को, उस मेरिट को लेकर आएं, सबों को दिखाएं आपको क्या आता है। आप एक YouTube चैनल बना लें, उस पर आध्यात्म की बातें करें। यदि आध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, आध्यात्मिक चैनल बना लें, उससे आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। लेकिन मैंने देखा है लोग ऐसा नहीं करते और कमेंट्स करते रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है फेसबुक पर लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, वो आध्यात्मिक पोस्ट है या फिर पॉलिटिकल पोस्ट है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबे चौड़े कमेंट्स करते हैं। उससे होगा क्या? उससे आपको एक रुपया नहीं मिलने वाला, आपको पता ही नहीं है। आप अपना बहुत कीमती समय वहां जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, ऐसा ना करें। यदि आपके पास राजनीतिक विषयों का अच्छा ज्ञान है, आध्यात्मिक विषयों का अच्छा ज्ञान है, आप एक कार्य कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर वीडियोज बनाएं, लोगों को बताएं, और इससे एक संभावना और प्रबल हो जाएगी, कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलते रहेंगे, तो आप और ज़्यादा मेहनत करने के लिए अग्रसर होंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें कुछ और अच्छा करना है, हम इससे भी अच्छा कंटेंट लाकर लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ज्ञान का भी प्रचार प्रसार होगा, नॉलेज शेयरिंग भी होगी, हम लोगों को कुछ बता सकते हैं, जो हमें आता है लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और बदले में हमें पैसे भी मिलेंगे। YouTube सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तो ये लोगों को कहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है सबसे कि सबका एक एक YouTube चैनल तो होना ही चाहिए। पता नहीं कब किसका चैनल कैसे मोनिटाइज हो जाए। एडिटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस वीडियोज को फ़ोन से ही रिकॉर्ड करें, अपलोड करें, पता नहीं कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए। और दूसरों के चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनको भी मोटिवेट करें, उनकी भी वीडियोस देखें अगर आपको अच्छी लगती है तो। लेकिन फालतू के बहुत सारे कमेंट्स ना करें। और ऐसे लोग जो गालियां लिखते हैं यूट्यूब कमेंट्स पर, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में करते क्या हैं? यदि यही गालियाँ आपके माता, आपके पिता, आपकी बहनें, आपके भाई, सारे संबंधी देखें कि आपने ये कमेंट लिखा है, कोई क्या सोचेगा? मैं तो ये कहता भी नहीं कोई क्या सोचेगा, इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन आप करते क्या हैं? आप दूसरों को क्या संदेश दे रहे हैं? कोई क्या सोचेगा से मेरा तात्पर्य है, दूसरों को आप संदेश क्या दे रहे हैं? यही गालियां लिखते हैं, ऐसे ही समय का उपयोग करते हैं, बहुत कीमती समय आपके पास है, ऐसे दुरुपयोग ना करें समय का। इससे आपको एक रुपया नहीं मिलने वाला, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला, इससे रसोई में यदि गैस कम है, यदि अनाज कम है, कुछ नहीं आने वाला, आप जरा ध्यान दें। इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, इससे आपकी जो भीतर की संरचना है, भीतर की जो मानसिकता है, भीतर की जो जागरूकता है, भीतर का जो आध्यात्मिक केंद्र है, भीतर जो एक चेतना है, उसमें कोई रूपांतरण नहीं आने वाला, जीवन में कोई व्यापक बदलाव नहीं आने वाला। आप गरीब हैं, गरीब ही रह जाएंगे, और ये सबसे बड़ा कारण है भारत आज तक गरीब है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं और दिन भर कमेंट्स कर करके अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों को हम गालियां देते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं। आप एक बात भूलते हैं, यदि आप दूसरों को बहुत गालियां देंगे, उससे व्यक्ति और ज़्यादा मोटिवेट होता है। मुझे बहुत गालियां मिलती हैं यूट्यूब कमेंट्स पर, फेसबुक पर, बहुत सारी जगहों पर, इंस्टाग्राम पर भी। उससे मैं और ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाता हूँ। लोग हालांकि ऐसा सोचते हैं कि गालियाँ लिखेंगे तो मैं पीछे हट जाऊँगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, मैं अपना आत्मविश्वास खो दूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जितना कमेंट्स करते हैं, मैं आत्मविश्वास से उतना ज़्यादा भरता चला जाता हूँ, और ज़्यादा वीडियोज बनाऊँगा, अपने कार्य को और ज़्यादा बढ़ाता चला जाऊँगा, फैलाता चला जाऊँगा, बहुत एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा मेरे काम में, By leaps and bounds, ये इतना बढ़ेगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपकी नकारात्मकता से मेरी सकारात्मकता और बढ़ती है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप गालियां देते हैं तो मैं रुक जाऊंगा, मैं अपना आध्यात्मिक कार्य ना करूंगा, और लोगों को जो सिखाता हूं, जो ज्ञान देता हूं, नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, इससे तो और ज़्यादा मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं तो यही सोचता हूं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं तो यही सोचता हूँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करते तब तक इतना विरोध होता ही नहीं। यदि आपके भीतर कोई बात नहीं है, आप कुछ करने में सक्षम नहीं है, तब तो जरा भी विरोध नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मौन साधना में लीन है, बैठा हुआ है, उसका विरोध कौन करेगा? वो तो कुछ बोलता नहीं, बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कुछ करता है,
बहुत अच्छा करता है, बहुत रूपांतरित कर देने वाला कार्य करता है, पूरे समाज को रूपांतरित कर देने वाला कार्य करता है, पूरा समाज उसका विरोध करने लगता है। आज मेरा विरोध हो रहा है, लाखों लाख लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, वहीं लाखों ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरा विरोध करते हैं उनसे भी मैं प्रेम करता हूं, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखता हूं, क्योंकि यदि उनकी सारी बातें मैं सुनने लगूं तो मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा। वे अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, मैं भी अपना समय बर्बाद करने लगूंगा। तो जरा देखें, यदि आप किसी का विरोध करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, इससे उस व्यक्ति का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, तो जरा संभल कर करें। यदि आप किसी को गिराना भी चाहते हैं तो इतना विरोध ना करें कि व्यक्ति सच में इतना ऊपर उठ जाए जैसे कि पर्वत उठता है। उस व्यक्ति की ऊंचाई, उस व्यक्ति का उठना एक पर्वत का उठना हो जाएगा आपके विरोध के कारण, क्योंकि आपके विरोध के कारण उसको और ज्यादा शक्ति मिल जाती है। तो भारत में यदि गरीबी है, भारत आज भी पीछे है, तो ऐसे लोगों के कारण जो गालियां देते हैं। जिनको गालियां देते हैं वे तो फिर भी आगे चले जाते हैं, वे तो फिर भी सफल हो जाते हैं जीवन में, वे तो फिर भी अमीर हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गालियां देते थे, समय बर्बाद करते थे, उनकी जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो जाती, उनके जीवन में बहुत बहुत सारी परेशानियां हो जाती, इतनी समस्या हो जाती है। एक सेकंड, एक क्षण शांति से रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो गालियां देने की आदत हो गई, अब तो व्यक्ति गालियां ही देता है, इसके सिवा कुछ आता नहीं उसको। जिस भी वीडियो पर जाता है, जिस भी पोस्ट पर जाता है, बस गालियां देता रहता है, क्योंकि समय का दुरुपयोग करना आ गया। समय का सदुपयोग कैसे किया जाए पता ही नहीं। आपकी जो आदत बन जाती है आप वही करते हैं। यदि सकारात्मक कार्यों को करने की आदत बन गई, सकारात्मक चीजें ही जीवन में करते हैं, तो उसकी भी आदत बन जाएगी, आप अच्छी चीजें ही करेंगे जीवन में, अच्छे कार्य ही करेंगे। यदि पढ़ने की आदत हो गई तो पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ाई से ही संबंधित कोई कार्य करेंगे जीवन में। यदि लड़ाई करने की आदत हो गई, झगड़ा करने की आदत हो गई, तो फिर आप झगड़े करते रहेंगे। तो यही सारी समस्याएं हैं भारत में। हम जानते नहीं कि क्या करके हम अपनी आदत बिगाड़ रहे हैं। आपके पास लाख ज्ञान हो, आप बहुत अच्छे हो अपने जीवन में, बहुत पैसे हो आपके पास, लेकिन यदि आप किसी क्षण किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, यद्यपि आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा नहीं जानते, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं, याद रखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत संभावना तो ऐसी है, आप जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं वो आगे बढ़ जाएगा, आपके मजाक उड़ाने से उसका कुछ भी अहित होगा ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिल के थोड़े कमजोर होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप बहुत गलत करते हैं। आपका एक मजाक, आपकी एक गाली, एक अब्यूजिव कमेंट, हो सकता है व्यक्ति आत्महत्या कर ले। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपको ये पता चलेगा आपके एक अब्यूजिव कमेंट के कारण, एक गाली के कारण सामने वाला आत्महत्या कर चुका है, उस दिन आपको बहुत अफसोस होगा। आप चाहेंगे अपने कमेंट को डिलीट कर दें, आप सोचेंगे काश हमने उसको डिलीट कर दिया होता, काश हमने वैसा लिखा ही नहीं होता। अब बहुत देर हो गई, अब व्यक्ति जा चुका है। हम किसी की हंसी उड़ाते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, क्यों? भीतर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, भीतर हम ऐसा सोचते हैं कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं, हम अभी भी बहुत तरक्की नहीं कर चुके जीवन में, हमारे पास योग्यता बहुत कम है, हमारे पास स्ट्रेंथ, मजबूती, शक्ति बहुत कम है, इसीलिए हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से, पूर्णतः भीतर से शक्तिशाली होगा, भीतर से योग्य होगा, भीतर से ज्ञानी होगा, जागरूक होगा, आध्यात्मिक होगा, ऐसा व्यक्ति किसी का मजाक उड़ा ही नहीं सकता है। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसी बातें कही जा सकती हैं जिससे थोड़ी हंसी आ जाए, लेकिन वो भी बहुत प्रेम से कहा गया होगा, किसी का सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं। आपकी एक एक बात बहुत लोगों को दुख पहुंचाती है। जरा सोचें, जरा विचारें, ऐसा कुछ भी ना करें, ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे सामने वाले को दुख पहुंचता हो, क्योंकि भारत में पहले से ही बहुत गरीबी है, भारत में पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड लोग हैं, अवसाद के शिकार लोग हैं, चिंता के शिकार लोग हैं। ऐसे लोगों को इन बातों से राहत नहीं मिलती। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कल कोई काम करने जाता हो ऑफिस में, आपकी एक गाली के कारण उसका काम बिगड़ जाएगा,
पता नहीं काम कहाँ करने जाता हो, किसी बैंक में जाता हो, किसी दफ्तर में जाता हो, इसके कारण प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन होगा, बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, वो जो परफॉर्मेंस होता है वर्क में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ज़रा सोचें, ज़रा विचारें, आप करते क्या हैं। आजकल मैंने देखा है लोग समय को ऐसे भी बहुत व्यर्थ करते हैं। अब आपका प्रेम प्रसंग कहीं चलता है, आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं, कोई लड़की है उसका कोई बॉयफ्रेंड है उससे बातचीत करती है, आप इतनी अधिक बातचीत करते हैं, इतनी अधिक बातचीत करते हैं, पूरा समय उसी में चला जाता है, एक संतुलन नहीं बिठा पाते जीवन में। मैं तो लड़कों से भी कहना चाहूँगा, लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, उतनी ही बातचीत करें जितनी आवश्यक, बाकी समय बाकी काम कर सकते हैं, पढ़ाई भी है, नहाना भी है, खाना भी है, दफ्तर भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना, बहुत चीज़ें हैं जीवन में, बहुत सारी बातें हैं, उन सब पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे दिन भर बातचीत करना, इससे तो गरीब हैं और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, क्योंकि जो कर सकते थे वो भी तो नहीं कर रहे हैं, जो कर सकते थे वो भी तो नहीं कर रहे हैं। प्रेम करना बहुत अच्छा है, प्रेम ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करते हैं, हम संतुलन नहीं बैठा पाते हैं, किसी से बात करते हैं तो करते ही रह जाते हैं। ऐसा ना करें, बातचीत भी एक सीमा में करें, उसके बाद अपनी ऊर्जा का उपयोग कहीं और करें, उसको अच्छे से चैनलाइज करें, अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। जो आपका कंट्रीब्यूशन है समाज में, जो अर्थव्यवस्था में जो आपका योगदान है, उसको और ज़्यादा प्रबल बनाएं, उसमें और ज़्यादा शक्ति भरें, ऊर्जा भरें, अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा एम्बोल्डन करें। अब जो एफर्ट किसी चीज़ में लगाते हैं, किसी चीज़ में जो प्रयास आपका है वो और ज़्यादा प्रबल हो, और ज़्यादा अटल हो, इसमें ज़रा बुद्धि लगाएं, बुद्धिमान बने, बुद्धू ना बने, किसी भी आश्रम जाकर ऐसे ध्यान करने ना लग जाएं, जरा बैठें, जरा सोचें, विचारें, करना क्या है, क्या करना है अभी। यदि ध्यान ही करना है घर पे भी कर सकते हैं, केवल ध्यान सीखने कहीं जाते हैं ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अपने दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई दार्शनिक है, कोई फिलोसोफर है, फिर उसका कोई आश्रम है वहाँ बुलाता है या फिर निमंत्रण है, वहाँ जाना आपके लिए थोड़ा प्रोडक्टिव है, थोड़ा बेनिफिशियल है, जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान सीखने के लिए, सिर्फ मेडिटेशन सीखने के लिए कहीं जाते हैं, पैसे देते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं। मैं भी लोगों को बुलाता हूँ, मैं भी लोगों को ज्ञान देता हूँ, सत्संग देता हूँ, लेकिन केवल ध्यान सिखाता हूँ ऐसा नहीं। सत्संग में ज्ञान देने के दौरान ही ध्यान लग जाता है, ऐसा है, ध्यान सिखाता नहीं हूँ, ध्यान लग जाता है। जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, थोड़े मेडिटेटिव हो गए, थोड़े ध्यान में चले गए, ऐसा हो गया, मैं आपको कोई ध्यान सिखाता नहीं हूँ, आप ध्यान में चले जाते हैं। इसी तरह जो मेरे सत्संग में आते हैं वे ध्यान में ऐसे ही चले जाते हैं, मैं सिखाता नहीं हूँ, सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने पैसों को बर्बाद न करें, किसी भी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में ना आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हैं और आपको बरगला देंगे, आपके निर्णय को बदल देंगे, आपके जीवन में अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ देंगे। ऐसे लोगों से जरा सावधान रहें। पिछले जन्म में मैंने शरीर त्यागा, उसके बाद कितने लोगों ने अपने आश्रम बना लिए मेरे नाम पर, मेरा धंधा लोगों ने शुरू कर दिया, कहते हैं कि वे मेरे शिष्य हैं, वे मेरे ज्ञान को फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पैसे कमा रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मेरे परिवार के भी कुछ लोग मेरे नाम को बेच रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं मैं किसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। मेरे परिवार के ही लोग, पिछले जन्म के परिवार के ही लोग मुझे बेच रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई कह रहा है ये मेरे गुरु थे, हमने इन्हें हमेशा से गुरु ही माना है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, आप करते क्या हैं, मुझे तो बात समझ नहीं आती। इसीलिए बुद्धिमानी बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक होना ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक होने का ढोंग करना, पाखंड करना बहुत गलत है। इससे भारत की गरीबी कभी मिटेगी नहीं, ऐसे पाखंडी गुरुओं के पीछे जाएंगे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हाथ आने वाला नहीं। ऐसे गुरुओं के आसपास मैंने बहुत भीड़ इकट्ठी देखी है, जो कहते हैं आप मेरे पास आ जाएं, आपकी सारी समस्या हम बता देंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, हमें पहले से पता चल जाएगा, फिर हम एक कागज पर आपकी समस्या को लिख देंगे, बस आप मेरे पास आ जाइए।
क्या मूर्खता है, इतनी बड़ी मूर्खता। कोई आपकी समस्या को ऐसे ही समझ जाएगा, आपको देखकर ही समझ जाएगा? ऐसा व्यक्ति बिल्कुल आपको पागल बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। किसी गुरु को मैंने देखा कि व्यक्ति के भीतर से वो भूत निकाल देते हैं, पहले अपने भीतर से भूत निकालें फिर लोगों के भीतर से भूत निकालेंगे। मुझे तो कभी किसी भूत ने परेशान नहीं किया, लोगों ने ज्यादा परेशान किया है। भूत होते हैं नहीं होते हैं, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, ये चर्चा का विषय है, लेकिन इंसान सबसे बड़ा भूत है इस बात में भी जरा भी संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इंसान इंसान को ही तबाह कर रहा है, इंसान इंसान को ही परेशान कर रहा है, क्या यह सच नहीं है? ऐसे गुरुओं से मैं कहना चाहूंगा, आप जो लोगों के भीतर से भूत निकाल देते हैं, पहले अपने भीतर से भूत निकालें। जो झूठ का भूत है, ब्रेन वॉशिंग का भूत है, मैनिपुलेशन का भूत है, लोगों को बड़गलाते जो हैं, ये जो गलत काम आप करते हैं, जरा इसको छोड़ें। अपने भीतर की बुराई को निकालें बाहर, दूसरों के भीतर से भूत निकालने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति की कोई मानसिक समस्या हो, लेकिन आप भूत का नाम दे रहे हैं, यह भी बात बहुत सोचने वाली बात। कोई मेंटल हेल्थ इशू है, किसी के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है, और उसको हम कहते हैं कि तुम्हें भूत ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, ये भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि फिर मेंटल एलिमेंट्स पे हम काम नहीं कर पाएंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर हम काम नहीं कर पाएंगे, मेंटल वेलबींग पर हम काम नहीं कर पाएंगे। जो मानसिक संतुलन है, मानसिक रोग जो हैं, उन पर हम काम नहीं कर पाएंगे, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि भारत में आज जो गरीबी है, भारत आज जो इतना पीछे है, इन लोगों के कारण पीछे है, यही ढोंगी पाखंडी गुरुओं के कारण पीछे है, ऐसे लोगों के कारण पीछे है जो बहुत नकारात्मक हैं और दूसरों में भी नकारात्मकता भर देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कारण पीछे है भारत जो अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, व्यर्थ करते हैं, जो करने जैसा नहीं है उसको भी करते रहते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो करते ही रह जाते हैं, अडिक्ट बने हुए हैं, किसी से बात करते हैं तो करते ही रह जाते हैं, अडिक्ट बने हुए हैं। ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं, ध्यान का आधा ध भी नहीं पता है, लेकिन आश्रम जा रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी की भी माला पहनने से कुछ होने वाला नहीं है, यदि आपने भीतर चेतना और जागरूकता की माला ना पहनी हो। यदि आपकी चेतना का विकास हो गया है, यदि आप पूर्ण जागरूक हो गए हैं, पूर्णतः जागरूक हो गए हैं, जागरूकता इतनी ज़्यादा सघन हो गई है, उसके बाद किसी माला की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। मैं भी पिछले जन्म में माला देता था, अब नहीं देता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है, जमाना बदल गया है, माला पहनकर भी क्या होगा? यदि भीतर सत्य की लौ जली ही नहीं है, यदि भीतर सत्य का उदय हुआ ही नहीं है, फिर माला पहनकर होगा भी क्या? तो आज मैं कुछ बातचीत करता था आप लोगों के साथ, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल भगवान श्री वासुदेव को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नए विषय पर बातचीत करेंगे, और आप लोगों के साथ फिर मैं चर्चा करूंगा। और भी सत्संग की नई वीडियोज आएंगी, आने वाली हैं, उन्हें भी मैं जल्दी ही रिलीज करूंगा। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।